के नजदीक पड़ते रड़ीकी की पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। HDFC बैंक राखियों में चोरी करने वाले दो चोरों को एक लैपटॉप और एक मोटरसाइकिल समेत किया काबू। चोरों द्वारा बैंक मैनेजर का लैपटॉप और अंदर बनी सेफ और ATM को तोड़ने की असफल कोशिश थी। पंजाब में लगातार दिन प्रतिदिन चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही। पुलिस प्रशासन की ओर से भी मुस्तैदी की जा रही है। चोरों को पकड़कर सलाखों के पीछे भी भेजा जा रहा। ताजा मामला धूरी के नजदीक पड़ते गांव रड़ीकी के अंदर का बताया जा रहा, जहां पर HDFC बैंक को अपना निशाना बनाने की दो चोरों द्वारा असफल कोशिश रही। रड़ीकी के थाना प्रभारी ओंकार सिंह ने अपने सूझबूझ से 30 घंटे के अंदर पकड़कर चोरों को सलाखों के पीछे भेज दिया। सर जड़े एक बैंक दे चोर फड़े ने, किन्ने चोर ने, कदों फड़े ने जी? ए मिति 12-13 दी दरमियानी रात नूं साडे इन्हां ने दो बंदे सीगे ते इन्हां ने रंगिया पिंड दे विच HDFC बैंक दे विच पिछों दी पहाड़ ला के एक बंदा अंदर चला गया, एक बंदा बाहर नगरानी ते खड़ा खड़ गया। ते उत्थे फिर साढ़े कोल इनफॉर्मेशन आई, असी मौके ते गए, देखिया असी फिर मुकदमा नंबर 170 मिति 13-11-23 अंडर सैक्शन 457-380-411। कित्थों दे ने बंदे जी? ये बंदा एक हैगा जी जसविंदर सिंह जस्सी पुत्र सुखदेव सिंह वासी कट्टू जी, जिहड़ा दूसरा है करमजीत सिंह करमू पुत्र बलबीर सिंह वासी सुल्तानपुर। सर इन्हां तों की बरामद होया जी? इन्हां तों एक लैपटॉप ते मौके वारदात ते जिहड़े पहने हुए कपड़े सीगे ते एक मोटरसाइकिल ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮੂ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 4-5 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਜ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ? ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘੋਖਨਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੀ? ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦੇਣਾ।